तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला, उत्तर प्रदेश में मोहर्रम पर दफन नहीं होंगे ताजिए, लगा दी रोक। वहीं महाराष्ट्र में निकलेगा सिर्फ एक ताजिया, मुंबई हाई कोर्ट ने सुनाया था फैसला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जमातियों को सुअर और जाहिल कहने वाली बबीता फोगाट की बहन को हुआ कोरोना। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नेपाल से मोदी सरकार को एक और बड़ा झटका, नेपाल पुलिस ने अब भारत के वन कर्मियों को गश्त करने से रोका, कहा ये है हमारा क्षेत्र। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी की खुली पोल, अमरीकी अखबार ने किया दावा भाजपा और व्हाट्सएप का है कनेक्शन, राहुल गांधी ने भी इसी सांठगांठ को लेकर बीजेपी पर बोल दिया है जोरदार हमला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ग्राम प्रधान ने दी इस्लाम अपनाने की योगी को धमकी, बीजेपी सांसद पर लगाए हैं प्रताड़ित करने के आरोप। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा देश विरोधी ताकतें देश में घोल रही हैं नफरत का जहर। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि स्वीडन देश में कुरान के जलाने का वीडियो हुआ वायरल, तो स्वीडन में भड़क उठे दंगे, कुछ लोगों ने कुरान को जलाते हुए ऑनलाइन वीडियो किया था सोशल मीडिया पर पोस्ट, जिसके बाद स्वीडन में मुसलमानों ने किए दंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन कर दी जारी, 7 सितंबर से शुरू होंगी मेट्रो, 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज अभी भी रहेंगे बंद, वहीं 1 महीने मोदी सरकार ने फिर बढ़ाया पूरे देश में लॉकडाउन। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को पार्टी से बाहर करने की राहुल और सोनिया गांधी से कर दी मांग, अब कांग्रेस पार्टी में पड़ चुकी है जबरदस्त फूट। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुस्लिम समुदाय को मोहर्रम को लेकर तगड़ा झटका, उत्तर प्रदेश में मोहर्रम पर दफन नहीं होंगे ताजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक। वहीं महाराष्ट्र में निकाला जाएगा सिर्फ एक ही ताजिया। जी दोस्तों आपको बता दें कि आज पूरे देश में मोहर्रम का त्यौहार घरों में ही रहकर मनाया जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहर्रम के सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी थी। वहीं अब बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि यूपी में भी मोहर्रम पर ताजिया दफन करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहर्रम के मौके पर उत्तर प्रदेश में ताजिया दफन करने की अनुमति देने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। कल ही हाई कोर्ट ने ताजिया दफन करने की अनुमति मांगने वाली सभी अर्जियों को खारिज कर दिया, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना महामारी के बीच सड़कों पर भीड़ लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और ताजिया भी दफन करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने सिर्फ एक ताजिया पूरे प्रदेश में निकालने के लिए इजाज़त दे दी है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना संकट के मद्देनजर इस साल महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक ताजिया निकालने की इजाज़त दे दी, और इस दौरान 5 लोगों से अधिक व्यक्ति ताजिया निकालने में शामिल नहीं होंगे और सिर्फ 5 लोग ही इस ताजिए को निकालेंगे। तो किस तरह से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में ताजिया को लेकर एक नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो तबलीगी जमातियों को जाहिल कहने वाली बबीता फोगाट की बहन हुई कोरोना पॉजिटिव। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि भारत की महिला पहलवान विनेश फोगाट कोरोना संक्रमित हो गई है। कोरोना संक्रमित होने की जानकारी विनेश फोगाट ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर दी है, लेकिन इस खबर में सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात यह है कि विनेश फोगाट की बहन बबीता फोगाट, जो एक बीजेपी नेता है, वह मानती है कि कोरोना भारत में मुसलमानों ने फैलाया। वहीं आपको बता दें कि 2 अप्रैल को बबीता फोगाट ने मुस्लिम धर्म के लोगों के प्रति
नफरत भरा ट्वीट किया था और कहा था कि तुम्हारे यहाँ पर फैला होगा चमगादड़ से, लेकिन हिंदुस्तान में तो जाहिले सूअरों से कोरोना फैला है। वहीं आपको बताने की बबीता का इस ट्वीट में साफ इशारा चमगादड़ से चीन और सूअरों से तबलीगी जमात के मुसलमानों से था, मगर अब खुद की बहन ही कोरोना संक्रमित पाई गई हैं, तो देखते हैं कि अब अपनी बहन को वह सूअर मानती हैं या फिर चमगादड़, क्योंकि ये बीजेपी नेता हैं और किस तरह से जहरीला इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था और मुसलमानों को कोरोना महामारी का भारत में फैलाने का जिम्मेदार इस बबीता फोगाट ने बताया था। इसी बीच बैठे दोस्त, अगली बड़ी खबर की ओर, तो नेपाल से मोदी सरकार को तगड़ा झटका। नेपाल पुलिस ने भारत के वन कर्मियों के गश्त पर लगाई रोक, कहा यह है हमारा क्षेत्र। जहां दोस्तों आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच काफी दिनों से तनाव बना हुआ है और नेपाल भारत के कुछ इलाकों को अपना बता रहा है और दावा ठोक रहा है, चाहे वह उसका मानचित्र हो या फिर कुछ और। वहीं आपको बता दें कि अब नेपाल ने भारत को तगड़ा झटका देते हुए भारतीय वन कर्मियों के गश्त लगाने पर रोक डाल दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल पुलिस ने चंपावत के वन कर्मियों के नो मैन्स लैंड के बाद नेपाल जंगल पार करते हुए भारतीय वन क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी है और कहा कि ये क्षेत्र नेपाल का है ना कि भारत का, और भारत अवैध रूप से इस पर गश्त करता है, लेकिन अब हम इसे नहीं करने देंगे। तो लगातार ये नेपाल से झटके मोदी सरकार को लग रहे हैं। उधर चीन और पाकिस्तान भी भारत पर हमले की तैयारी में है, तो इधर नेपाल भी अब भारत को आंखें दिखा रहा है, तो तीनों तरफ से मोदी सरकार पूरी तरह से फंसती हुई दिख रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी की खुली पोल, राहुल गांधी और अमरीकी पत्रकार ने किया दावा, भाजपा और व्हाट्सएप के बीच बड़ा कनेक्शन। जय दोस्तों आपको बता दें कि पिछले दिनों फेसबुक को लेकर भाजपा के साठ गांठ की खबरें आई थी और कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त हमला फेसबुक पर भाजपा के लिए बोला था। अब इसी बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमरीका टाइम्स मैगजीन ने बड़ा खुलासा करते हुए बीजेपी की पोल खोल दी है। वहीं अमरीका टाइम्स मैगजीन ने दावा किया है कि व्हाट्सएप से भाजपा की साठ गांठ है और व्हाट्सएप के जरिए भाजपा चुनाव प्रचार में झूठी खबरें फैलाकर अपनी मदद करती है। अब इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि पक्षपातपूर्ण और झूठी खबरों को प्रचारित करने में फेसबुक व्हाट्सएप ने भाजपा की जोरदार मदद की है। इसका खुलासा अमरीका के टाइम्स पत्रिका ने किया है। हालांकि राहुल गांधी के निशाने पर इस बार सिर्फ व्हाट्सएप है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि पूरे भारत में 40 करोड़ भारतीय व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप पेमेंट की भी जल्द शुरुआत होने वाली है, लेकिन हमें नहीं पता था कि भाजपा का व्हाट्सएप से भी एक बड़ी सांठगांठ है और झूठी खबरें फैलाने में भाजपा किस तरह से व्हाट्सएप का उपयोग करती है। तो ये बड़े दावे अब फेसबुक के बाद व्हाट्सएप पर हुए हैं और व्हाट्सएप भी अब घेरे में खड़ा हो गया है। तो किस तरह से लगातार झूठी खबरें फैलाने के लिए भाजपा व्हाट्सएप और फेसबुक का इस्तेमाल करती थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो योगी की बड़ी मुश्किलें। अलीगढ़ के ग्राम प्रधान ने दी इस्लाम अपनाने की बीजेपी को धमकी, कहा बीजेपी सांसद कर रहा है लगातार प्रताड़ित। जय दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ के दौरव चांदपुर गांव के प्रधान अशोक आजाद ने बीजेपी सांसद के उत्पीड़न से परेशान होकर इस्लाम धर्म अपनाने की योगी को धमकी दी है। आजाद ने पत्र में मानसिक उत्पीड़न के विरोध में परिवार सहित इस्लाम अपनाने की अनुमति मांगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ग्राम प्रधान अशोक आजाद का कहना है कि घर की महिलाओं ने घर से सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को हटा दिया है, अनुमति मिलते ही परिवार के 20 लोग इस्लाम धर्म अपनाएंगे। आजाद ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से विजयरी सांसद राजवीर दिलेर की पत्नी ने 2015 में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई, उसके बाद से ही सांसद उनसे नाराज चल रहे हैं और लगातार उनका उत्पीड़न कर रहे हैं और उनके मकान को भी सांसद ने गिरवा दिया है। ये गंभीर आरोप बीजेपी सांसद पर लगाए हैं और इस्लाम धर्म अपनाने की धमकी योगी को दी है। देखते हैं आगे क्या होता है। इसी बीच बैठे दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा देश विरोधी ताकतें
देश में घोल नहीं है नफरत का जहर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देश में खतरे में है और वह देश का मुंह बंद रखना चाहती है। सोनिया गांधी ने शनिवार को एक वीडियो संदेश में कहा कि जनता को एक दूसरे से लड़ाकर राज करने वाली शक्तियां देश में नफरत का जहर इस समय फैला रही हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है और लोकतंत्र नष्ट होता जा रहा है। वहीं आगे उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चाहती है कि भारत के लोग अपना मुंह बंद रखें और देश का मुंह बंद बीजेपी कराना चाहती है। आगे हमला बोलते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और V.R. अंबेडकर सहित हमारे पूर्वजों में से किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि हमारे देश को आज़ादी के 75 साल बाद ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा कि जब हमारा लोकतंत्र और संविधान खतरे में होगा। तो ये बड़ा हमला बोला है सोनिया गांधी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कुरान शरीफ जलाने के बाद स्वीडन में भड़के जोरदार दंगे। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि स्वीडन के दक्षिण शहर मालवो में अन्य धर्मों के लोगों द्वारा कुरान को जलाए जाने के बाद 300 से अधिक लोगों ने हंगामा किया है और स्वीडन में जोरदार दंगे भड़क गए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि TT न्यूज एजेंसी ने बताया है कि शुक्रवार दोपहर को घोर दक्षिणापंथी कार्यकर्ताओं ने प्रवासी बहुल इलाके के नज़दीक कुरान को जलाया और इसका वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और मुसलमानों तक पहुंचा, जिसके बाद हिंसा जो है स्वीडन में भड़क गई है। बाद में घृणा फैलाने के संदेह में 3 लोगों को जो है स्वीडन में गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये मामला यहीं नहीं रुका, पूरे देश में 300 से अधिक लोगों ने दंगा किया और कहा कि किस तरह से इस देश में मुसलमानों का अपमान कुरान जलाकर किया जा रहा है और इसे मुसलमान बिल्कुल नहीं सहेंगे, जिसके बाद स्वीडन में जोरदार दंगे भड़क गए हैं, जिसमें से 17 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई है। तो किस तरह से स्वीडन देश में कुरान जलाया गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली बड़ी खबर की ओर, तो फिर मोदी सरकार ने पूरे 1 महीने बढ़ाया लॉकडाउन, अनलॉक 4 की भी गाइडलाइन कर दी जारी। 7 सितंबर से शुरू होंगी मेट्रो, 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। जय दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बीच अनलॉक 4 में 7 सितंबर से देश में मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद ही रहेंगे। इसका फैसला राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बात करके सरकार ने लिया है। वहीं सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक ओपन थिएटर 31 सितंबर से खोले जा सकेंगे। वहीं मनोरंजन से जुड़ी सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति भी 21 सितंबर से होगी और इसमें सिर्फ 100 लोगों तक ही उपस्थित रह सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि 7 सितंबर 2020 को लेकर किस तरह से मोदी सरकार ने फिर 1 महीने के लॉकडाउन को बढ़ा दिया, यानी लॉकडाउन सितंबर तक पूरे रहेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस में पड़ी फूट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालने की उठी मांग। जो दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव की मांग की थी। अब इसके बाद इन वरिष्ठ नेताओं पर कांग्रेस पार्टी के नेता ही सवाल खड़े करने लगे हैं और इन नेताओं को बाहर कांग्रेस पार्टी से निकालने की मांग भी कर रहे हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व विधान परिषद सदस्य नसीम पठान ने शुक्रवार को पार्टी नेताओं द्वारा पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र पर विवाद के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आजाद को बहुत कुछ दिया लेकिन उनके पास वफादारी नहीं थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता आजाद उन नेताओं में से एक थे जिन्होंने सोनिया को पत्र लिखकर
संगठन में पूर्णकालिक बदलाव और पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग की थी, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की कुछ नेताओं ने कहा है कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी से बाहर किया जाए। वहीं अगर ये पार्टी में होंगे तो पार्टी टूटेगी, तो ये बड़ा आरोप कांग्रेस नेताओं पर लगाया गया है। अब गुलाम नबी आजाद को बाहर का रास्ता दिखा भी सकती है कांग्रेस पार्टी, तो बड़ी मांग उठने लगी है कांग्रेस में। इसी बीच बढ़ते दोस्त अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी को अन्ना हजारे ने दिया तगड़ा झटका। अन्ना हजारे का दिल्ली सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने से इनकार, बीजेपी ने दिया था न्योता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली भाजपा की अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक दलों के रवैये के बारे में निराशा व्यक्त की है। अन्ना हजारे ने कहा कि एक भी राजनीतिक दल देश के बेहतर भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने भाजपा से आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने की अपील के बाद ये बात कही है। उन्होंने भाजपा की अपील को खारिज किया और उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई भी पार्टी देश को उज्जवल भविष्य दे सकेगी। अन्ना हजारे ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली प्रदेश भाजपा ने उन्हें आप सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा था। उन्होंने कहा था कि भगवा पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, फिर भी उसे अन्ना हजारे जैसे एक गरीब और फकीर व्यक्ति की क्या जरूरत है, और वह बीजेपी का साथ नहीं देंगे और वह आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो तगड़ा झटका दिया है अन्ना हजारे ने।